बाबा कंगाया देवता के चरणों में नमन करते हुए मैं 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिक्त से भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जनसेवा का दायित्व उठाया और सत्ता संभालते ही लोगों के कल्याण तथा हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अगले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में जान और माल का भारी नुकसान हुआ। इस मुश्किल घड़ी में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया और मुआवजा राशि 25 गुना तक बढ़ाई। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे घरों को दोबारा बनाने के लिए मुआवजा राशि 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई। प्रभावितों को पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपया जारी किए गए हैं। राज शिविरों में रह रहे परिवारों को किराए पर मकान लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपया और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपया देने के साथ साथ मुफ्त राशन और रसोई गैस की व्यवस्था की गई है। घर बनाने के लिए सीमेंट सरकारी दर पर दिया जा रहा है, जबकि बिजली व पानी के मुफ्त कनेक्शन का भी प्रावधान किया गया है। आपदा के दौरान हमारी सरकार ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर फंसे 75,000 से अधिक पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित निकाला। जिला लाहौल स्पीति के चंद्रताल में -4 डिग्री और 4 फुट ऊंची बर्फ में फंसे 303 पर्यटकों को एक मुश्किल अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस अवसर पर मैं अपने राजस्व मंत्री माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी और हमारे सीपीएस श्री संजय अवस्थी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी अगुवाई में ये चंद्रताल अभियान को सफल बनाया गया। ओल्ड पेंशन बहाल करने की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की सौगात दी। जनता तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांव में जाकर जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए 30 अक्टूबर 2023 से पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक रिकॉर्ड 65,000 से अधिक इंतकाल और 4,071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है,
जो लंबे समय से रुके पड़े थे। हिमाचल देश का पहला राज्य बना है जिसने अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू कर 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। सरकार ही इन बच्चों की माता और सरकार ही पिता है जो उनकी देखभाल तथा शिक्षा का जिम्मा उठा रही है। युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के लिए अपने वादे को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। योजना के पहले चरण में ई टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। योजना का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है जिसमें 100, 200 व 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें लाभार्थी को 10% सिक्योरिटी 25 साल के लिए जमा करवाने पर 70% बैंक ऋण तथा 30% इक्विटी सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकार ने इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली आगामी 25 वर्षों तक खरीदने का निर्णय भी लिया है। इससे युवाओं को निश्चित आय के साधन मिलेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1,226, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे। वन मित्र योजना के तहत 2,061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 1,450 पद भरे जाएंगे। इसी तरह पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 90 और वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरे जा रहे हैं। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाएगा। यह भी हमारी चुनावी रणनीति थी जिसे पूरा किया गया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में विभिन्न वोकेशनल और तकनीकी कोर्सों के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर 20,00,000 रुपए तक का ऋण की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जा चुके हैं। हमने जल विद्युत हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दहन कर 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 ग्रीन पंचायतें बनाई जा रही है। सरकार द्वारा ई वाहनों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी सरकारी विभागों में 1 जनवरी 2024 से ई वाहन ही खरीदने का प्रावधान किया गया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में मार्च महीने के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग ई चार्जिंग स्टेशन का लाभ उठा सकेंगे तथा रेंज की चिंता किए बिना ई वाहनों का प्रयोग कर पाएंगे। फरवरी महीने में हम पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त 13 चार्जिंग स्टेशन खोलेंगे। अगले 2 महीने में
कुल 108 चार्जिंग स्टेशन चिन्हित पेट्रोल पंपों पर उपयोग के लिए तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश का कीरतपुर से केलांग ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है, जिसमें 5 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। शिमला से बिलासपुर तक 3 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर वाहनों को चार्ज करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। विधवा पुनर्विवाह योजना की धनराशि 65,000 रूपए से बढ़ाकर 2,00,000 रूपए की गई है। विधवाओं और एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना से पात्र विधवा महिला और एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1,50,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 51,799 नए मामले मंजूर किए गए हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास जारी है और सरकारी भूमि की लीज अवधि 99 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष की गई है। प्रदेश में नई एक आबकारी नीति बनाई गई है, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में 846 करोड़ रुपया अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से टेंडर की अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की गई है। शिमला में निवेशकों के साथ संवाद के दौरान 8,468 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 12,584 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हिमाचल तो हिमाचल है, इसके जैसा कोई नहीं। प्रकृति ने इस पहाड़ी प्रदेश को नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। कहीं बर्फ की खूबसूरत चादर तो कहीं शीत मरुस्थल, कहीं धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिर तो कहीं पैराग्लाइडिंग। प्रकृति की गोद में पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अनछुए पर्यटक स्थलों में विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अमृतसर से शिमला और कुल्लू के लिए हवाई उड़ानें शुरू की गई है। इस वर्ष 4 हेलीपोर्ट्स का निर्माण पालमपुर, रक्कड़, रिकांगपियो और चंबा में किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक हेलीपोर्ट बनाने के लिए 13 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 750 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई है और 700 किलोमीटर सड़कें पक्की की गई। 43 नए पुल बनाए तथा 23 नए गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। पहली बार बागवानों से सेब किलो के हिसाब से खरीदा गया। अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि बागवानों को उचित दाम मिल सके। सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपए से 2.5 रुपए तक की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना शुरू की गई है, जिससे किसानों से दूध लेकर चिलिंग प्वाइंट तक ले जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध के दामों में 6 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना के
पहले चरण के लिए लगभग 400 क्लस्टरों में 6000 हेक्टेयर भूमि पर बगीचे स्थापित किए जाएंगे। इसमें 15000 किसान बागवानों को लाभ होगा। परियोजना में सौर बाड़बंदी तथा सिंचाई सुविधा का भी प्रावधान है। मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी सामान्य क्षेत्र में 224 से बढ़ाकर 240 रुपए तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 से 294 रुपए की गई है। भाइयों और बहनों, प्रदेश के समान और तेज विकास के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंडी जिले का विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन बाहर करने का जो निर्णय लिया है, उससे मंडी जिले के 1150 कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। मंडी जिले में सुख आश्रय योजना के तहत 479 लाभार्थी है, जिनमें से 38 धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पिछले साल मानसून में आई आपदा से धर्मपुर सब डिवीजन के तहत 80 लोगों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें प्रदेश सरकार ने 2,40,00,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। 144 लोगों के कच्चे घरों को आंशिक क्षति हुई, जिन्हें 1,29,60,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। जिन लोगों के पक्के घरों को आंशिक नुकसान हुआ, उन्हें 1,09,37,500 रुपए की सहायता दी गई है। इसी तरह फसलों और पशुओं को हुए नुकसान के लिए भी सरकार ने आर्थिक मदद प्रदान की है। कुल मिलाकर धर्मपुर उपमंडल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को 6,14,99,600 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। इस अवसर पर मैं माननीय स्थानीय विधायक के अनुरोध पर जो संधोल क्षेत्र है, यहाँ डीएसपी ऑफिस धर्मपुर में खोलने की घोषणा करता हूँ। इनकी ही मांग पर नगर पंचायत धर्मपुर और संधोल को बनाने की घोषणा करता हूँ। संधोल बायामढ़ी धर्मपुर, संधोल बड़ा सीयू धर्मपुर को मैं दोनों रोड्स के लिए, जो कि काफी मुश्किल रोड है जब सुजानपुर से संधोल और इस धर्मपुर की तरफ आते हैं, सड़क की अपग्रेडेशन के लिए 10-10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। बाबा कमलाऊ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन के लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। सीएच बिल्डिंग टीला के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग संधोल के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। मल्टीपल हॉल एट जीडीसी धर्मपुर के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग धर्मपुर के लिए भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। सिविल हॉस्पिटल धर्मपुर के लिए 50,00,000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ। सिविल हॉस्पिटल संधोल के लिए भी 50,00,000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ। स्पोर्ट्स हॉस्टल गर्ल्स बास्केटबॉल जीडीसी सरका घाट के लिए भी, स्पोर्ट्स गर्ल्स के लिए जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है उसको भी देने की घोषणा करता हूँ। जल शक्ति के द्वारा जो चैनलाइजेशन होना है उसके लिए भी 19.80 करोड़ SDRF में, 5 करोड़ CRF में देने की घोषणा करता हूँ। PG क्लासेस जो कि जियोलॉजी MSc GDC सरका घाट में और इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड हिंदी GDC धर्मपुर में देने की मैं घोषणा करता हूँ। मैं क्योंकि आजादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद ये पहली बार पूर्ण राजत्व दिवस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, इसके लिए मैं माननीय स्थानीय विधायक श्री चंद्रशेखर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे पास आकर बार बार ये अनुरोध किया कि जिला हेडक्वार्टर से
इस बार आप ग्रामीण क्षेत्र में ये पूर्ण राजस्व दिवस मनाइए, जिसमें मैं इनके लिए एक बार और आभारी हूँ। और इन्होंने कहा है कि जो हमारे महिला समूह है और महिलाएं धर्मपुर में पुरुषों से अधिक कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है, 2000 जो महिला समूह मंडल है उनको मैं 20,000 रुपए देने की भी घोषणा करता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ इस समारोह में शामिल हुए हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।